दोस्तों, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, आज हम बात करेंगे सिंपल सिस्ट या गुर्दे में बनने वाली, जो किडनी से जो बनने वाली सिस्ट होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो यह गुर्दे में बनने वाली सिस्ट होती है, यह बेसिकली फ्लूइड से भरी हुई एक सिस्ट होती है, कुछ गांठें होती है, पाउच होते हैं, जो कि आपके गुर्दे के अंदर या गुर्दे के बाहर की तरफ वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से कई दफ़ा आपको परेशानी का कारण भी बन जाते हैं। आपके जो गुर्दे की जो फंक्शनिंग होती है, उसमें फंक्शनिंग में आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। किडनी फेलियर का भी कई दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है कि जब ये सिस्ट बड़ी हो जाती है, या अगर आपको बहुत सारी सिस्ट बनी हुई है, तो उसकी वजह से गुर्दे की जो फंक्शनिंग होती है, इस फंक्शनिंग में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और यह CKD का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, जो गुर्दे होते हैं, गुर्दे हमारा एक वाइटल ऑर्गन है। गुर्दों का काम होता है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना, और उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालना। लेकिन जब इसमें इस तरह की सिस्ट डेवलप होने लग जाती है, तो कभी कभी हमें इससे कुछ परेशानी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड़, जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे यह जो गुर्दे में बनने वाली जो सिस्ट होती है, या क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके कैसे लक्षण हैं, कैसे पहचानेंगे, इसके क्या कारण होते हैं, और इसके साथ साथ ही होम्योपैथी में इसके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह जो गुर्दे में बनने वाली जो सिस्ट होती है, यह सिस्ट दो प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल सिस्ट। सिंपल सिस्ट एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और अक्सर यह आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं करती है। यह यूजुअली नॉन कैंसरस सिस्ट होती है, और इससे आपके गुर्दे की फंक्शनिंग में जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी तरह की जो होती है, वो होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इस तरह की जो कंडीशन होती है, यह आपके अनुवांशिक भी हो सकती है। ऐसा देखा जाता है कि फैमिली में अगर आपके गुर्दे में सिस्ट या इस तरह की जो गांठें बनने की प्रवृत्ति है, तो यह जाकर आगे आपको भी ये परेशान कर सकती है। अक्सर ये फैमिली में रन करती है, और इस तरह की जब कंडीशन होती है, उस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि उनके जो गुर्दे की फंक्शनिंग होती है, उस फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। यह जो कंडीशन है, आपकी CKD का, यानी गुर्दे के फेलियर होने का भी कारण बन सकती है। दोस्तों, यह जो गुर्दे में बनने वाली सिस्ट होती है, इस सिस्ट को अगर हम बात करेंगे, ऐसे कौन से लक्षण है जिसकी सहायता से पहचान सकेंगे, तो जनरली इसमें कोई ज़्यादा सिम्टम देखने को नहीं मिल रहे हैं, मिलते हैं इनिशियल स्टेज में। लेकिन एक्सीडेंटली जब कभी भी आपको, आप मान लीजिए आपके पेट में दर्द हुआ, या पेट में और किसी कारण से आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, सोनोग्राफी करवाई, तो एक्सीडेंटली आपको पता चलता है कि आपके जो गुर्दे में या किडनी में जो है सिस्ट है, वो डेवलप हो रही है। और इसमें इसके अलावा दूसरे सिम्टम की हम बात करें, तो मैंने जैसे बताया, यूजुअली इसमें ज़्यादा सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सिम्टम होते हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको बार बार UTI होना, आपको कभी कभी आपको फीवर भी आ सकता है, इसके अलावा यूरिन में कभी कभी आपको ब्लड भी आ सकता है। आपको एक जो कॉमन सिम्टम होता है जो देखने को मिलता है, वो होता है आपके बैक में, आपको कमर में, आपको पीछे की तरफ आपको दर्द होना, जिस तरफ में सिस्ट बनी हुई है, और उसके साथ साथ ही आपके साइड में भी दर्द हो सकता है। ये जो कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं आपके अगर किडनी में सिस्ट बन रही है। तो अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की बात करें, अगर आपको मल्टीपल सिस्ट बन गई है, और उस कंडीशन में कई दफ़ा ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब आप अपने गुर्दे की जांच करवाते हैं, इसमें किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें पाया जा सकता है कि आपकी जो क्रिएटिनिन या यूरिया है, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से कुछ सिम्टम है जो कि देखने को मिलते हैं अगर आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। तो इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं इसके कारण की, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से डेवलप होती है। तो इसमें यूजुअली इसके अभी तक कारण ज्ञात नहीं, बट ऐसा माना जाता है कि जो आपके गुर्दे होते हैं, गुर्दे के अंदर बहुत छोटी छोटी नलियां होती है, जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है गुर्दों की, किडनी की, और उनकी जो ट्यूब्स होती है, जो नलियाँ होती हैं, उन नलियों की जो मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर कुछ कभी कभी कोई कारण से वहाँ पर एक ग्रोथ सी हो जाती है, वहाँ पर फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, और वहाँ पर सिस्ट का रूप ले लेता है। यह इसका एक कारण है जो कि अक्सर देखने को मिलता है, बट अभी तक इसके प्रॉपरली कारण ज्ञात नहीं है। बट इसके अलावा अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की बात करें, तो यह जेनेटिक हो सकता है, यह आपके फैमिली में रन कर सकता है, आपके अगर पेरेंट्स को है, तो आपको ये आगे जाकर ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या सिंपल सिस्ट डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा 50 साल की जो एज होती है, उस एज तक आते आते 50% जो लोग होते हैं, उन लोगों के अंदर ये किडनी सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है, और समय के साथ साथ इसकी साइज भी जो है वो बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस और उसके साथ साथ में इसके ट्रीटमेंट की। तो इसमें जब कभी भी आपको इस तरह की सिस्ट पता चलती है, तो आपको आपको डॉक्टर हो सकता है आपको एडवाइस करे कि इसमें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है समय समय पर। अक्सर आपके डॉक्टर हो सकता है आपको ध्यान रखने को बोले कि बीच बीच में 6 महीने से या 12 महीने से आप इसमें अल्ट्रासाउंड करवा के देखते रहें, किडनी फंक्शन टेस्ट करवा के देखते रहें कि कहीं आपकी इसकी साइज जो है वो बढ़ तो नहीं रही है, या आपके गुर्दे की फंक्शनिंग पर इसका कोई
असर तो नहीं आ रहा है, इस तरह से आपको हो सकता है आपके डॉक्टर एडवाइस करें। इसके साथ साथ ही दोस्तों इसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, जिसके बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसमें अगर हम बात करें कुछ मुख्य मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन की, तो इसमें जो सबसे पहली और मुख्य मेडिसिन है जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं वो है थुजा वनम। थुजा वनम इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। थुजा वनम को इसमें 7 दिन में केवल एक बार 3 बूंद डायरेक्ट टंग पर इसको आपको लेना होता है। कहीं पर भी कोई भी तरह की ओवरग्रोथ होती है वहाँ पर थुजा वनम बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ ही नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एपिस 30। जहाँ कहीं भी फ्लूड से भरी सिस्ट बन जाती है वहाँ पर एपिस बहुत अच्छा काम करती है। एपिस 30 में अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ और इसको लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम। एक और जो मेडिसिन है जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इस तरह की सिस्ट के अंदर वो है बैरताकाप 30। बैरताकाप 30 भी इस तरह की सिस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और उसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कैल्केरियाफ्लोर 6x। दोस्तों कैल्केरियाफ्लोर 6x टैबलेट को लेने का तरीका होता है 4-4 गोली दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर। इस तरह से ये कुछ खास दवाएं, इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती है तो और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या किडनी सिस्ट के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।